क्या मैं सोचता हूँ इतना बड़ा विवाद नहीं था, मैं तो 40 साल का विधानसभा का अनुभव है जी। और कई घटनाएं दुर्घटनाएं इस विधानसभा के फ्लोर पर हुई है, पर केवल इस छोटी सी बात के लिए अगर सरकारी जो है वो संसदीय मंत्री इस बात का प्रस्ताव लाए कि उनको सदन से निकाला जाए, निकाल सकते हैं, उनके पास बहुमत है। मैं सोचता हूँ इस छोटी सी घटना को इतना अधिक उन्होंने तूल देने की कोशिश की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विरोध का भी अपना हमारा दायित्व है, हमारा है, उन्होंने कहा तो उसके कारण से इतना अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नड्डा जी आए थे कल, नड्डा जी क्या कुछ मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं कितना जोश। मैं सोचता हूँ नड्डा जी ने सबके सामने भाषण दिया जिसमें सारा प्रेस भी बोलता, हम भी मौजूद थे, कोई चीज छिपी हुई थी नहीं, माइक इतने जोर से बज रहा था सब सुन रहे थे। उन्होंने संगठन को कैसे सशक्त बनाया जाए और इसलिए हमारा पन्ना प्रमुख अब हमारा एक आधार बना है। गुजरात की जीत का जो अगर कोई एकमात्र कारण है तो गुजरात की टीम ने पन्ना प्रमुख, और वो भी पन्ना प्रमुख नहीं बनाया, उन्होंने प्रत्येक पन्ने प्रमुख की एक समिति बना दी 5 लोगों की। अब उसमें 30 तो खुली वोट होते हैं, 5 या 6 परिवार होते हैं एक, अगर वो इतने मेंबर बन जाते हैं और वही पार्टी का काम करते हैं तो किसी को कहीं जाने नहीं। और गुजरात का उदाहरण दिया था उन्होंने, उन्होंने तो नहीं दिया, भारती बहन ने दिया था कि हमारे यहाँ जो सांसद है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट से जीते, एक मीटिंग नहीं की, न उन्होंने की पब्लिक मीटिंग, न किसी बाहर के नेता को बुलाकर मीटिंग की, केवल पन्ना प्रमुख के आधार पर कार्यकर्ताओं ने वोटर को निकाला डराया। और देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों के मन में एक आदर है, भाव है, उनकी विचारों से सहमत हैं, इसके कारण से वोट मिले। राजसमंद में चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले, मदन जी दिलावर, वासुदेव देवनानी जी, नारायण जी देवल, 3 प्रभारी हैं, तीनों अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं, क्या मतलब जीत को लेकर? अब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे का सही फीडबैक आए जी। और हमारे पार्टी में हमेशा ही होता है कि हम किसी को एकदम थोपते नहीं, जो भी खड़ा होना चाहे जिस कार्यकर्ता की मंशा में, वो अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकता है, उसके बारे में फिर उसका एनालिसिस करेंगे कौन उपयोगी होगा, कौन ज़्यादा सक्षम होगा। तो मैं सोचता हूँ बीजेपी में इसलिए हमारे यहाँ एक लंबा चौड़ी लोगों खड़े होने की फहरिस्त हो जाए, लोग उसको सोचते हैं कि इससे असंतोष होगा। बीजेपी में इस कारण से असंतोष नहीं होता, टिकट मांगने का हक का है हर आदमी का, तो वो मांगेगा, लेकिन जब निर्णय होगा तो उसकी पालना करेंगे। गुलाब जी वैसा को कहा जाता है राजनीति का पूरी किताब मानी जाती है, गुलाब जी वैसा वो हमेशा आपका एक बयान होता है कि जब भी मध्यवर्ती चुनाव की मतलब आप बात करते हैं कि राजस्थान में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, सरकार का कभी भी मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा तो मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, क्या? मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि इनके आपस में आज भी इतना मनमुटाव है कि जिस व्यक्ति ने, मैंने उस विधानसभा को देखी जब कांग्रेस के केवल 21 सदस्य रह गए, इसके पहले यही अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, एक बार जब मुख्यमंत्री थे 156 को 56 पे छोड़ के गए, दूसरी बार मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस को 21 पे छोड़ के गए, ऐसे निराशा के समय में उस व्यक्ति ने सड़क पे घूम करके पार्टी को खड़ी की, इसमें कोई दो राय नहीं, आज उसको सड़क पे खड़ा कर दिया, तो असंतोष तो है। अब वो आग कब लगती है और कब भड़कती है इंतजार करना चाहिए, पर जो उन्होंने कोहनी को गोड़ लगाया और सबको मंत्री और सबको किसी न किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाने की जो बातें की, अब बनाना में सपने आ रहे हैं उनको, जिस दिन बनाया उस दिन धराशायी होंगे। ये मैं बात जो कह रहा हूँ मैं केवल एक कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आश्वासन दिया आपने वो न आप पूरा कर सकते हो, मैं भी नहीं पूरा कर सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जिन आश्वासन के आधार पर आप सरकार को टिकाए हुआ, रोज नई घोषणा करते हो, अभी आपने बजट पढ़ा होगा, सबने ताली पीटी होगी, आपने भी सोचा बहुत गजब हो गया, होगा कहाँ से यार, जेब में तो वैसे है ही नहीं यार, कहाँ से करोगे? तो जनता को मूर्ख क्यों बनाते हो, सच्चाई को बयान करो यार। तुम्हारे पास राजस्थान कर्जे किए ट्रैक में जा रहा है, आज की तारीख में राजस्थान पे 4,51,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है, और साल का अंत होते होते ये कर्जा 5,00,000 करोड़ पहुँचेगा। आज की तारीख में राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर 50,00,000 से लेकर 51,000 रुपये का कर्जा है। आपके घर में 6 मेंबर हैं तो आप मान लो कि आप 3,00,000 के कर्जे में हो। ये राजसमंद में अभी पिछले दिनों शांति धारीवाल जी आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, और लास्ट क्या है कि ये इस कांग्रेस जिंदगी भर ये घोषणाओं के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी दुकान चलाती रही। 10 दिन में कर्जा माफ हो गया, सारी जनता ने देख लिया ना हो गया कि नहीं हो गया,
सारे बच्चों को या तो नौकरी मिलेगी या 3500 रुपये का मुआवजा मिलेगा, वजीफा मिलेगा हर महीने का, वो बेरोजगारी भत्ता का इन्होंने कैप लगा दी, सरकारी एक आदेश से कैप लगी है कि 1,60,000 से अधिक कोई भी बच्चा बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकता। जबकि आज की तारीख में हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो पढ़े लिखे नौकरी की तलाश में हैं। यही है, बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा, बिजली का तार में करंट कम आता है, कागज़ के छूतिया में आप और मैं पकड़ता हूँ तो हाथ से गिरता है कि नहीं गिरता है, ध्यान दें। संविदा बच्चे हैं 3 लाख, उन संविदा बच्चों को 8-8 साल 10-10 साल से गुड़ लगा रखा है, तुमको परमानेंट करेंगे, तुमको परमानेंट करेंगे। और आज सरकार के आए हुए 2.25 साल हो गए, ये इनका घोषणा पत्र में लिखा है कि भाई सरकार आते ही आप सबको नियमित करेंगे। कौन बच्चा ऐसा होगा, आपकी बच्ची हो चाहे मेरी बच्ची हो, वो आपकी बात मानेगी या नियमित होने की बात मानेगी? उसने वोट दिया, वोट इनको कितने आए, केवल 50,000 ही तो ज़्यादा आए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये इनका ये धंधा है। अभी राजसमंद में चुनाव है इसलिए किरण जी के नाम से कॉलेज होगा, क्या राजस्थान में इसके पहले कोई इस तरह के नामकरण हुआ? और अभी कॉलेज खुल सकता है क्या, मार्च के महीने में कॉलेज चालू हो सकता है, कॉलेज खुल सकता है? ये क्या किया है, जनता को केवल झुंझुना पकड़ाया है कि कॉलेज खुलेगा और इसके नाम से वोट दो। खुलेगा कि नहीं खुलेगा चुनाव के बाद वो फिर बाद में देखा जाएगा, अभी तो कम से कम बजाते रहो झुंझुना कॉलेज खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, और वो भी किरण जी के नाम से खुल रहा है, महिला कॉलेज खुल रहा है, ये वोटों की ठगाई का धंधा है। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस की घोषणा सिर्फ थोथी घोषणाएं हैं और चुनाव के बाद इन घोषणाओं का कोई असर नहीं होगा। राजसमंद से ईटीवी भारत के लिए अलगेश सनाटी।